बहुजन समाज के लोगों को यह बात आज तक समझ नहीं आई। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बासी रोटी के लड्डू। परम पूज्य बाबा साहेब जब दूसरी बार लंदन गए, उस समय बाबा साहेब की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जो कुछ धन था उसमें से कुछ माता रमाबाई को दे लंदन प्रस्थान किया। माता रमाबाई ने बाबा साहब को विदा करते समय एक पोटली दी, जिसमें रात की बची रोटियों को सूखा कूट कर थोड़ी शक्कर मिला लड्डू बना दिए थे। बाबा साहब लंदन आकर अपनी थीसिस पूरी करने में लग गए। अध्ययन हेतु पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ते। लंच के समय जब सब लोग कैंटीन जाते तब भी बाबा साहब पढ़ते रहते। जब देखते कि लाइब्रेरी में कोई नहीं है तो चुपके से कोट की जेब से 2-3 लड्डू निकालकर भूख शांत कर लेते थे। एक अंग्रेज मित्र जो बाबा साहब से आत्मीयता रखता था, बाबा साहब के व्यवहार से परेशान था कि यह साहब हर समय पढ़ते ही रहते हैं, लंच तक नहीं करते, साथ ही नोटिस भी कर रहा था। एक दिन लंच के समय जब सब बाहर निकल गए, केवल बाबा साहब ही लाइब्रेरी में रह गए और लड्डू खाने को ही थे कि अंग्रेज मित्र ने रंगे हाथ पकड़ लिया। बोला, तो भीम यह स्वादिष्ट लड्डू खाते हो लंच में सबसे छुपा कर। और वह बाबा साहब से लड्डू छीनने लगे। बोला, आज तो यह लड्डू मैं खाऊंगा, जरूर भाभी जी ने बना कर दिए हैं। बाबा साहब अवाक थे, उससे लड्डू न खाने का आग्रह कर रहे थे और वापस मांग रहे थे। अंग्रेज मित्र उनकी व्यग्रता को न समझ उन्हें चिढ़ा रहा था। कहने लगा, जरूर ये लड्डू चमत्कारी है, इन्हें खाकर ही तुम सबसे अधिक काबिल हो। जब बाबा साहब जान गए कि उनका मित्र मानने वाला नहीं है तो बोले, मित्र ये लड्डू तुम्हारे खाने योग्य नहीं है, यह लड्डू मेरी विपन्नता की निशानी है। यह लड्डू मेरी पत्नी रमा ने रात की बची खुची रोटियां सुखा कर बनाए हैं, जिन्हें खाकर मैं अपनी शुद्धा शांत करता हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कैंटीन में नाश्ता कर सकूं। मेरे देश में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें बची खुची रोटी भी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, पढ़ने का अधिकार नहीं है। मेरा परिवार भी इन्हीं समस्याओं से त्रस्त है। मुझे मौका मिला है तो मैं पढ़कर उनके अधिकारों की जंग लड़ना चाहता हूँ। मैं ज्ञान के अस्त्र से उन्हें बेड़ियों से मुक्त कराना चाहता हूँ, इसीलिए दोबारा पढ़ने आया हूँ। बाबा साहब की करुण कथा सुनकर अंग्रेज मित्र की आंखों में आंसू आ गए। अश्रु पहुंचते हुए बोला, मैं धन्य हुआ, इतने महान व्यक्ति की मित्रता का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि मैं कभी भारत आया तो उस देवी के चरणों की रज अपने माथे पर जरूर लगाऊंगा, जो उपले बेच बेच कर आपको धन भेज रही है। धन्य आप भीमराव अम्बेडकर और रमाबाई, और धन्य है भारत जिसे आपने वहां पैदा होकर धन्य कर दिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।